बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट था जो कि पंजाबी वर्ग से आता था उसको बदल दिया, उनका नाम अंशे कालरा था। और अभी कुछ देर पहले ही एक नए कैंडिडेट का जो नाम था वह सामने आया। कैंडिडेट हमारे साथ है, पुनीर साहब ये बताइए कि एन वक्त पर बसपा ने अपना जो कैंडिडेट है वह बदल दिया, आखिर पहले यहाँ से अंशे कालरा और अब आप, वजह क्या? तो सब हाईकमान की आदेश है, मैं जो वजह बता सकता है तो बहन जी बताएंगी, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं और मजबूत चुनाव लड़ेंगे। आपने बहुजन समाज पार्टी कब ज्वाइन की जी? कब ज्वाइन की ये पार्टी आपने? आप इससे पहले किसी और पार्टी में थे? अच्छा, ये तो अभी ज्वाइन हुई, साथ साथ आज ही ज्वाइनिंग है और आज ही टिकट की घोषणा है। कोई कारण इसका, ग्राउंड बेस पे कारण क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है क्षत्रिय समाज कुछ नाराज है जिसके चलते क्षत्रिय समाज के ही आप कैंडिडेट हैं क्योंकि उन्हें उतारा गया है। जी, जो चुनावी लोग होते हैं वो प्रयास में रहते हैं चुनाव लड़ना है, और बहन जी का हमें आशीर्वाद मिला है। अब उसने हमारे अंदर बहन जी ने क्या देखा है ये बहन जी को पता है। गाजियाबाद की जनता को किस तरह से विश्वास दिलाएंगे, और यहाँ पर अगर काम की बात की जाए तो मुद्दे क्या है गाजियाबाद के? मुद्दे विकास के हैं, जो हम सभी बिरादरी को भी साथ लेकर चलेंगे। जो कुछ लोग बिरादरी पार्टियों अपना जातिवाद धर्मवाद फैला रखा है, वो हम सभी को साथ लेकर चलेंगे, और हमें उम्मीद है कि सभी का हमें पूर्ण सहयोग मिलेगा, छत्तीस बिरादरी का, और सभी को साथ लेकर चलेंगे। पुडी साहब, गाजियाबाद की अगर ग्राउंड की बात करें तो गाजियाबाद के बारे में काफी कुछ मालूम भी होगा आपको। गाजियाबाद बहुत वोट है गाजियाबाद के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत ही ज्यादा जीतती हुई आई है जो वोटों का अगर मार्जिन की बात की जाए। क्या लगता है आपको किस तरह से कितनी वोट हासिल कर पाएंगे आप, किस तरह से जीत की ओर अग्रसर होंगे आप? मेरा समाज भी यहाँ लगभग 6 लाख वोट है, और हमारे समाज का सत्ताधारी पार्टी ने हर जगह जो है अनदेखी करी है, टिकट नहीं मिले, उसी का परिणाम है कि हमारा समाज इधर उधर जहाँ भी उनको मौका मिल रहा है अपना चुनाव के लिए तैयार खड़े हैं। कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी में थे और अभी आपने बताया कि हमारा समाज नाराज है, इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी में आए और यहाँ से अब आप उम्मीदवार बने। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि हमारा समाज नाराज था, तो कहीं ना कहीं समाज की नाराजगी को देखते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और अब बसपा का दामन संभाला। नहीं, मैं तो सार्वजनिक में काम किया है, और देखो ये तो पार्टी में लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा चुनाव लड़ने का मन था, वहाँ मौका नहीं मिला, यहाँ मौका मिल गया, आशीर्वाद लेना था, बहन जी का आशीर्वाद मिल गया, हम तैयार है। ठीक है, बिल्कुल हम तैयार है ऐसा कहना है। नंद किशोर पुंडीर, अब यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर अब उम्मीदवार हैं। अब से पहले यहाँ पर अंशे कालरा को टिकट दिया था और अब यहाँ पर क्षत्रिय समाज से एक कैंडिडेट उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने, और एक कार्ड खेला है क्योंकि बताया यह जा रहा है कि जो क्षत्रिय समाज है वो इस समय काफी नाराज है क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, मौजूदा सांसद, उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद जो क्षत्रिय समाज है वह नाराज है। अब से पहले नंद किशोर पुंडीर भी भारतीय जनता पार्टी में थे और आज बसपा ज्वाइन की और बसपा से टिकट भी ले लिया और पर्चा खरीदने के लिए इस समय गाजियाबाद की कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।